कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। लोहा बाजार के बारे में बात करेंगे। लोहा बाजार में टीएमटी सरिये के बारे में आज जानेंगे किस तरह कीमतें चल रही हैं, टीएमटी सरिये की किस तरह का उतार चढ़ाव और ट्रेंड लोहा बाजार में कुछ ब्रांडेड कंपनी में टीएमटी सरिये में देखा जा रहा है। इसी के साथ जानेंगे इंगट और स्प्रे पे किस तरह का कारोबार चल रहा है, किस तरह का उतार चढ़ाव और ट्रेंड बाजारों में आज देखा जा रहा है। मगर उससे पहले, चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो लोहा बाजार में आज सुबह बाजार खुलते ही इंगट में जबरदस्त तरह की तेजी देखी गई। 800 से लेकर 900 रुपए तक की बढ़त इंगट में आई, जिसको देखते हुए इंगट का लेवल 50,000 रुपए तक बाजारों में देखा जा रहा है। और उसको देखते हुए टीएमटी सरिये में भी आज सुबह से बाजारों में 400 से लेकर 500 रुपए तक की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। कीमतों के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं तो भारतम कंपनी का रेट टीएमटी सरिये में 55,100 रुपए है। कामधेनु कंपनी पर आप 62,701 रुपए पर कारोबार बाजारों में देखकर चल सकते हैं। केटू कंपनी में 61,231 रुपए पर बाजारों में कारोबार हो रहा है। ज्योति कंपनी का रेट 60,812 रुपए चल रहा है। फॉर्चून कंपनी में 63,399 रुपए पर आप बाजारों में कारोबार देखकर चल सकते हैं। प्रबल कंपनी का रेट 61,201 रुपए देखा जा रहा है। दुआबा कंपनी में 66,600। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। 600 रुपए पर आप हजारों में कारोबार देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा दीपक कंपनी में 64,600 रुपए पर कामकाज बाजारों में हो रहा है। जय भारत कंपनी का रेट 59,000 रुपए चल रहा है। शेर पंजाब कंपनी के बारे में अगर बात करते हैं तो 62,211 रुपए का लेवल चल रहा है शेर पंजाब कंपनी में। अंबा कंपनी का रेट 57,500 रुपए देखा जा रहा है। बाजारों में अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार हुआ है। इंगट के बारे में अगर बात करते हैं तो लेवल 50,000 रुपए पर चल रहा है, जिसमें 700 रुपए तक की बढ़त और देखी गई है। और इवनिंग सेशन में आप अगर इसी तरह से इंगट अपने लेवल पर सस्टेन करता है तो 50,500 का लेवल भी आप इंगट में देखकर चल सकते हैं। और एमएस स्प्रे के बारे में बात करते हैं तो 39,800 रुपए का लेवल एमएस स्प्रे में देखा जा रहा है। तो ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो हाईली पॉजिटिव है, आउटलुक भी स्टेबल नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारी सलाह यही होगी, जिन्होंने गिरावट पर खरीदारी करी थी वो यहाँ से ऊपरी स्तर पर सतर्क जरूर रहिए, और अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो आप टाइम आने पर अपना प्रॉफिट भी ऊपरी लेवल से बुक करके चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आप सभी खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।